पहनते इस वाले में है शायद, लेकिन मैंने इस वाले में पहनती क्योंकि वो ढीली हो रही है, निकल जाएगी कहीं पे तो आफत आ जाएगी। अभी आए हैं मम्मी को मिलने के लिए, बड़े मुश्किल से खींचा था कितनी बार बोला मैंने कि घर चल लो। तो कल का व्लॉग मैं बनाने वाला हूँ, है ना? यही बोला था कल से प्रैक्टिस कर रहे थे कि क्या बोलना है क्या बोलना है, बोल रहे कल का व्लॉग उनको भी दिखाओ ना। मेरे पास कुछ साइड में बोलने के लिए बुड्डू भैया। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे सोनम डाउट में, फिर से एक नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो सबसे पहले बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत सारा प्यार, साथ वालों को हाय हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के दिन की शुरुआत हो रही है दिन के 12 बजे से और मैं जा रही हूँ, राहुल जी आए हूँ तो उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ। वो घर पे नहीं आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे बहुत शर्म आ रही है कि इधर उधर वाले क्या बोलेंगे, लेकिन मैं बोल रही हूँ उनको, देखते हैं अगर शाम को आ जाते हैं खाने के लिए तो ठीक है, तो ज़्यादा फोर्स नहीं करता अगर मन नहीं है उनका। मतलब मन तो है, थोड़ा सा शर्मीला है, बोलते हैं कि शादी से पहले नहीं जाते, बट पता नहीं मेरे को तो ऐसा लगता है कि आजकल सभी जाते हैं। तो देखते हो मम्मी से मिलने आएंगे शाम तक तो ठीक है, अभी फिलहाल वो काम से ही आए हैं यहाँ पे। बैंड बाजे वाले चाहिए ना, जिस दिन बारात लेके आएंगे उस दिन थोड़ा बैंड बाजे वाले के लिए थोड़ा इधर से ही बोलना पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इधर आ ही रहा हूँ तो वो काम भी कराते जाऊँ। और हम सगाई के बाद से मिले नहीं हैं और मैं सोच रही हूँ आज थोड़ा सा रिंग पहन के चले जाऊँ, पता तो चलना चाहिए कि हाँ मेरी इंगेजमेंट हो रही है। उन्होंने तो उतार ही नहीं है वो रिंग, लेकिन मैंने उतार दी है, मैंने तो एक हफ्ते बाद उतार दी थी, तो आज मैं पहन लेती हूँ, पता चलना चाहिए भाई सगाई हो रही है मेरी, पहनते उसको। तो ये रहा वो बॉक्स, ये खैर मेरे वाले रिंग की है, उनके वाले रिंग के अंदर है, पर लेकिन मैंने इस बॉक्स में रख दिया था। गिरा पहनते इस वाले में है शायद, लेकिन मैंने इस वाले में पहनती क्योंकि वो ढीली हो रही है, निकल जाएगी कहीं पे तो आफत आ जाएगी, तो चलो छिपकली मरी हुई है वहां पे, ये देखो तो हम चलते हैं, वो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, लाइट बंद कर देते हैं। मम्मी को खाना दे दिया, दादा को खाना दे दिया, अब हम लोग चलते हैं, दोनों बहने जा रहे हैं हम, फिर आ जाएंगे जल्दी और थोड़ा सा देखेंगे इधर उधर कहाँ क्या क्या करना है। अभी तो मैंने किसी से पूछा भी नहीं है, पर पहले मैं चाह रही हूँ कि हम खुद ही देख लें और उसके बाद अगर नहीं मिलेगा तो लास्ट ऑप्शन ये बच जाता है कि साथ वालों को पूछेंगे कि कहाँ पे क्या है, दीदी लोगों को कॉल करेंगे, बाकी वो लोग उनकी भी शादी हुई थी तो उनको ध्यान में होगा, तब करेंगे जब हमें नहीं मिलेगा, पहले खुद प्रयास करेंगे उसके बाद देखते हैं, ठीक है। अरे यार पता है आवाज नहीं आएगी फैन के कारण, फैन चल रहा है ना, नहीं आती ना कभी आएगी, मतलब मेरी आवाज आएगी आप लोगों की नहीं आएगी। देखो इतने प्यारे प्यारे, सच में दो फ्रेंड बिछड़े हुए कुंभे के मिल गए। अब नहीं खाएगा, उसके साथ वाले आएंगे, अब लो भाई खाए, एक को ही खिला रहे हो बेचारे, वो उसकी नाक ऐसे हो गई, ये मोटा भी तो कितना है, ये सब किससे का खाता है मुझे लग रहा। क्या देना है, भग गया वो खा पी के,
नहीं कुछ नहीं छूटा, चलो बाय बाय कर दो। कहाँ गए हो दोनों, कहाँ गए हो, गायब हो गए क्या यहाँ से? ओहो यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी चीजें भाई। अच्छा इसमें रख दूंगे ना फिर उसको, देखो यहाँ बना रखो उनके लिए, उधर वो बतख ना। हम लोगों ने तो खा लिया टन कर आगे, और भैया वो आएंगे जी पीछे से। ये रही हमारी सिस्टर, आ जाओ आ जाओ। अभी आए हैं मम्मी को मिलने के लिए, बड़े मुश्किल से खींचा था कितनी बार बोला मैंने कि घर चल लो। अच्छा रुको सुनो, रात में ही रहोगे हैं? बताओ रह लो, क्या हो गया भैया? भी तो आए हैं, दूसरे वाले रूम में रह लेना हैं। देखोगे ना क्या? नहीं हाँ लाइट बंद कर दे, लाइट ऑफ कर दो। चलो गप्पे मारो अब। अभी बज रहे हैं शाम के 5:43, यानी कि 5:43, और भैया राहुल जी जा रखे हैं कहीं घूमने के लिए, दही सर दर्द हो रहा है उनको, तो दवाई लेने जा रखे हैं। तो रूम भी करवा दिया उन्होंने इतना बोलने के बावजूद कि यहीं रुको यहीं रुको, बट नहीं अपनी जिद करनी है तो कह रहे कि हम नहीं रुकेंगे यहाँ पे। मतलब अभी दिन में आ गए हैं, वो भी तुम्हारे बोलने पे, तो अब ज्यादा मतलब तुम्हें उंगली पकड़ा रहे हैं तो पूरा सर पे बैठ रही हो मेरे, तो इसलिए मैंने भी ज्यादा जिद नहीं करी, क्या पता शर्म आ रही हो, फर्स्ट टाइम होता है ना ऐसे। तो कोई बात नहीं, फिर मैंने कहा कि चलो रूम करवा रहे हो तो यहीं नज़दीक में कहीं करवा रहे हो, और अभी हम जाएंगे फिर से बैंड वाले को पूछने के लिए, क्योंकि जब हम जा रहे थे तो वो बंद हो रखा था उस समय पे, तो उस समय बंद हो रखा था। तो अब जाएंगे और थोड़ा सा अभी घूमेंगे, क्योंकि हम गए उनके साथ लेकिन घूमे बाहर, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और मेरा सर दर्द, कार के अंदर तो मैं बिल्कुल बैठ नहीं पाती, वैसे मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है। और हमारी माता श्री यहाँ पे उनकी मिठाइयों का आनंद ले रहे हैं। क्या खा रहे हो मिठाई? अपनी जवाई बता रही हूँ, जवाई तो मुझसे छोटे लग रहे हैं। देखते हैं कब तक आते, अभी तक तो पहुंचे नहीं है, 9 बजे से आनी है उनका, पहुंचे नहीं अभी तक। हम चाय बनाते हैं, चाय पियेंगे, फिर खाना खा के फिर निकलेंगे, और रात में यहीं पर खाना खाएंगे, डिनर वगैरह करेंगे, फिर जाएंगे यहाँ से सोने के लिए, उधर ही जाएंगे। तो फिर ज़्यादा जिद नहीं करते ना, जब उनका मन नहीं है तो ज़्यादा जिद नहीं करते हैं, तो वो उधर जाएंगे, फिर सुबह मिलेंगे, सुबह के टाइम पे थोड़ा सा घूम लेंगे, उसके बाद फिर उन्होंने कल ही निकल जाना है यहाँ से। देखते हैं कल निकलते हैं या फिर क्या सीन होता, अभी अपने मुँह से तो नहीं बोल सकती मैं कल ही निकल जाना है, पर क्या पता चले जाए, कि होता है इंसान को एक ही जगह में बोर हो जाते, लड़के नहीं टिकते एक ही जगह पे, तो थोड़ा सा उनको उनको दिक्कत हो जाती है। तो देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं आगे, बाकी व्लॉग में देखने को मिलेगा आपको जब वो आएंगे। अब मैं उनके सामने व्लॉगिंग करने की कोशिश करूंगी, मेरे को थोड़ा थोड़ा शर्म आ रही है उनके सामने, तो देखती हूँ दोनों को साथ में लेके, भैया को भी और राहुल जी को भी दोनों को साथ में लेके, देखते हैं बोल पाती है नहीं बोल पाती, क्योंकि आगे जब मैं व्लॉग कंटिन्यू करूंगी तो उन्हीं के साथ करूंगी अब सीधा। तो कल का व्लॉग मैं बनाने वाला हूँ, है ना? यही बोला था सबसे, प्रैक्टिस कर रहे थे कि क्या बोलना है क्या बोलना है, बोल रहे कल का व्लॉग उनको भी दिखाओ ना, मेरे पास कुछ साइड में बोलने के लिए। गुड्डू भैया है और ये राहुल जी है, तो फैसला कर ही लिया है कि कल का ब्लॉग राहुल ये बनाएंगे, लेकिन हाँ, सोच रहे हैं बहुत कि क्या बोलना है क्या। मैं सोच के बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा ना कैसे बनाना है, हाँ। मैं अभी नहीं बताऊंगा, बनाऊंगा सीधा, ठीक है? कल देखेंगे, डिस्कस चल रहा है अभी। अभी इन्होंने वो नहीं किया, जिस चीज के लिए आए हो, किस चीज के लिए आए हो बताओ, ये कह रहे हैं कि हम तो भूल गए किस चीज के लिए आए थे, पता ही नहीं चल रहा। हम तो मिलने आए थे ना सोनम से, मिलने आए थे, है कि नहीं? मेन काम करने आए थे, वो काम करने के बाद ही बताएंगे। वो काम करके बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ गया। हमें खुद ही नहीं पता, सोनम को सब पता है, इसको तो ये यहाँ पे रह के कोई फायदा नहीं है, ये ऐसी झूठ बोलती नहीं, है मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे को यहाँ कोटद्वार में रहने वाले यहाँ के लोग नहीं है, यहाँ रखे कहीं और से, दिख रहा है वो पीछे पहाड़ वहाँ से आ रखे, कहीं से वहीं से आ रखे, हमारा गांव उधर ही है, उधर ही तो पड़ा है हमारा गांव। कोटद्वार रह के क्या फायदा फिर, है ना, पता ही नहीं। अब कोई जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि पता है ना मुझे, तो कोई बात नहीं, दीदी बताएंगे ना, अभी इसमें वो वॉइस नहीं जा रही होगी, पता बहुत कम जाती है। क्यों?
क्योंकि फ्रंट से बना रहे ना बोलूंगी तो मैं, क्योंकि आप दोनों की आवाज नहीं आएगी। जाने वाले हैं अपना काम करने, तो जो इम्पोर्टेंट काम से यहाँ पर आए, सोनम से तो मिल लिए, लेकिन दूसरा काम है जो हमारा टडन 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 डिश। अरे बच गए, चलो उन्हें पता है ये वीडियो बनाती, वो भी नहीं आता मेरे उसमें। चलो 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 चलो, हाँ कोई बात नहीं, इन्हीं के पहन लो। कि मैं बनाऊंगा व्लॉग, लेकिन क्या उससे पहले क्या किया आपने ये तो बता दो। फ्रंट कैमरे से बनाओगे? आप ड्राइविंग पे ध्यान दोगे? तुम क्या कह रहे हो, चांसी चेहरा? किसका चांसी चेहरा? महबूबा हो मेरी, कब मैंने ऐसे सोचा था। देखो चांद कैसा लग रहा है, मुझसे सर मारो ना तुम, बताओ। चलो चलो मुझसे सर मारो ना, इधर चलते हैं। बैंड बाजे वाले किधर है, इधर चलना ना तुम। चलो इधर से ही चल लो नीचे को। हम लोग जा रहे हैं बैंड बाजा तन्नू से। नहीं वो बोलती नहीं है, हम लोग तो बोल लेते हैं, वो कम बोलती है बात। पर ये गलत है ना, बोलना बोलना जब घुल जाएगी तब तो बोल लेगी। बोलने मिलने में कितना समय लगता है और कितना समय लगेगा? एक साल बोल रही है। अरे अरे अरे, 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 एक साल लगेंगे की शादी में आना पड़ेगा। और ये देखिए आज वैसे मौसम गर्म है ना कल के मुकाबले, ठीक है। अब तो शाम के टाइम चलो आप चला दो, गाने चला दो आप। चलो 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 वी मार्ट। कपड़ों के बीच घुसे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। देख तेरे को आ रहा कुछ, हाथ में तो पकड़ा है, देखते हैं कौन सा वाला लेते हैं। कौन सा शॉपिंग टाइम, शॉपिंग टाइम कौन सा ले? सोनम को तो ये पसंद आ रहा है, ये आ रहा है, देखिए कौन सा बढ़िया। गुड्डे भैया हंस क्यों रहे? गुड्डे भैया इसलिए हंस रहे हैं कि पहली बार शॉपिंग कर रहे हैं ना, बड़ी मुश्किल से माने हैं। सब्जी ले रहे हो क्या टोकरी में? तुम क्या लीजिए इधर बना, नहीं मैं तो देखूंगी अपना, मैं कुछ देखूंगी। हाँ ओए हिरन, ओए कुछ उसे काटेगा तो नहीं है? अरे यार देखना दौड़ता पर तुम यहाँ। अब गुड्डू भैया जा रखे रूम देखने के लिए, इनके लिए और अपने लिए। पहले के मैं हिरन, यहाँ हिरन घूम रहा है अभी रात के बताए 9 बज रहे हैं। यहाँ पे हिरन देख रहे हैं लेकिन हमें देख नहीं पाएगा, वो कहाँ गया? वो सामने पेड़ों पे चला गया, उधर चढ़ा गया हूँ। ये देखो हमें तो पी के घूम रही है, 2-3 बार लटक गए। ये भी वही देख रहे हैं और ये मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे, कह रहे की तुम क्या देखोगे रूम, देखने देता ना मुझे एक बार कैसा है क्या। ये वाला है रूम, मतलब ये होटल है, देखते हैं आप रुकते हैं या नहीं रुकते हैं यहाँ पे। वैसे बेस्ट तो यहीं पे है लेकिन फिर मेरे को डर भी लग रही है इनको देख के, इनका कोई भरोसा नहीं है। बाहर निकलोगे ना, हम लोग गाड़ी से निकलेंगे अगर निकले तो। नहीं नहीं नहीं, रात में कहीं जाना ही नहीं है यार। सुनो आज तक हम क्यों घूमे नहीं है, तुम यार रात में सही नहीं है ना। देखो ये वाला है, हाँ तो यहाँ पे सो रही है माता श्री। गुड नाइट मम्मी, बाय कर दो, बाय ठीक है। और बाहर में हमारा भाई सो रहा है और मैं सो रही हूँ वाले रूम में, और मेरी जो बहन है वो मम्मी के साथ सोएगी तो मैं यहाँ पे सोऊंगी। और उन मतलब राहुल जी को और उनको तो मैंने ऊपर भेज दिया है, वाले रूम की लाइट खुल रखी होगी, उधर ही जा रखी हूँ। तो हमने ना मतलब इन्होंने रूम देखा था अपने लिए, तो मतलब कुछ खास नहीं थे और 1500 रुपए और ज्यादा रहते भी कितने कि 3-4-5 ज्यादा से ज्यादा रात में रहते और अभी जाते खाना खाने के बाद। खाना खाते खाते तो हमें 10-11 तो यहीं बच गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो ताईजी वाला रूम, ताईजी और का घर खाली है तो वहाँ चले जाओ दादू जी के साथ। वो वहाँ चले गए, नहीं तो रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहे थे, बोलते हैं रुकना नहीं है रुकना नहीं है करके। तो कोई बात नहीं चलो वहाँ चले गए, मेरे को भी तसल्ली हुई क्योंकि इधर जहाँ वो रुक रहे थे ना वो होटल बिल्कुल नदी के किनारे है, तो मेरे को थोड़ा सा डर भी लगी थी कि सही है या नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, ताईजोर के घर में सो गए हैं वो,
और आज के ब्लॉग को मैं इतना ही रखूंगी। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप सभी से एक नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो मैं सोने जा रही हूँ, ये सो रही हूँ, लाइट ऑफ कर रही हूँ, सोते हैं।